उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. दिस माय फर्स्ट टाइम एवर हियर. मुझे बहुत 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 मज़ा आया. और मैं खाली ये कहूँगी, नरेंद्र जी जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आई होप आप इससे और अच्छा काम करते रहे. एंड बस ऐसे ही आप भी बढ़े, आप अपने साथ लोगों को भी बढ़ाए. थैंक यू. मैंने बहु 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 मजा आई अँ आई ने. तमने बधा ने डांस करी ने ज मैंने बहु मजा आई. हूँ त्या बैठी बैठी थोड़ूक थोड़ूक नाचती थी. अँ आई ने अमें फूल ऑन छूटी गया एकदम स्टेज पर. પાછા આવશો આવતા વર્ષે? તમે બોલાવશો તો કેમ? અમે 100% બોલાવશો. અમે તો જવા જ નહીં દેવાના આજે. તમે નહીં બોલાવો તો પણ હું આવી જઈશ. યસ, એટલે જોરદાર તાલી, દિલ સે તાલી બજાય એક વાર, તાકી અગલે સાલ હું વાપસ આય તો આપ યહાં આયે હમારે લિયે આપકા દિલ સે હમ ધન્યવાદ કરતે. લોટસ નવરાત્રિ કે સભી ટીમ મેમ્બર આપકા થેન્ક્સ કરતે. એન્ડ જીતની આપકો ખુશી હૈ ઉસસે કઈ જ્યાદા હમે ખુશી હૈ કે આપ યહાં પે આયે. થેન્ક યુ લોટસ ગ્રુપ એન્ડ નરેન્દ્રજી ફોર કોલિંગ. जो लोग QR कोड स्कैन करके फॉलो नहीं कर रहे वो मुझे फॉलो करें ताकि आपको प्राइजेस मिले. दूसरा, आपने कहा था कि मीरा भाईंदर में कत्ल खाना खुलने वाला है इसलिए कल आंदोलन है. आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने आज हमारे कमिश्नर को फ़ोन किया और अब इस मीरा भाईंदर में कत्ल खाना नहीं होने वाला है. तो हमने जो भूमिका ली थी, यस, हमने जो आवाज दी थी कि अगर ये बनेगा तो हम रास्ते पे उतरेंगे, तो आपको अब रास्ते पे उतरने की जरूरत नहीं है. आप तो बस लोटस ग्राउंड में उतरिए. आपका काम हमने कर दिया. मैं आप सबकी ओर से देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अब मीरा भाईंदर में कत्ल खाना नहीं होगा. और मैं आने के बाद आपको विश्वास दिलाता हूँ, नक्शे से ही कत्ल खाना निकाल दूंगा. तो ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी. बराबर है? तमे बता साथे छो ना? तो बस आपका साथ, सपोर्ट, आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे. फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. हम जब पहले साल यहाँ पे आए थे तब मेहता जी ने हमको प्रॉमिस किया था कि ये मीरावड़ की सबसे बड़ी नवरात्रि होगी और वो प्रॉमिस उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है. एंड हम लोग को अभी जो न्यूज़ मिला है कत्ल खाना का, वो भी बहुत अच्छा न्यूज़ है. हम लोग इतने खुश हैं,
और हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही नवरात्रि और बड़े उस पर होते रहे। प्लस हैरी निकुम जी, हम लोग को इतना मज़ा आ रहा है उनके उसमें, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनका पहला साल है। और लोटस का तो क्या ही बोले, ईस्ट ऑफ वेस्ट लोटस इज द बेस्ट। हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले 5 साल से जब से ये नवरात्रि हो रही है यहाँ पे आ रहे हैं। नरेंद्र मेहता जी ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस बार हैरी निकुम जी आए हैं एज अ सिंगर, बहुत ही एनर्जी के साथ गाते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ईस्ट ऑफ वेस्ट लोटस इज द बेस्ट। तो हमारा ग्रुप है ये युवा मंडल, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा। और जो मेहता जी ने ये पूरा आयोजन किया है, सीज़न 5 है और सीज़न 1 से ज़्यादा सीज़न 5 हर साल बेस्ट से बेस्ट हमारा मेहता जी ये हमारा ग्राउंड रेडी कर रहे हैं विथ बेस्ट साउंड सिस्टम्स एंड एवरीवन। और जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, पासिस का देखना एक और सबका ध्यान रखना इतने अच्छे से, वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल है यहाँ पे खेलने के बाद। एंड और प्राइस भी इतने अच्छे प्राइजेस देते हैं कि इंडिविजुअली सबको प्राइजेस हम लोग डिवाइड कर सके, इतना बड़ा हमें प्राइजेस वगैरह मिलता है। और ईस्ट और वेस्ट बाइंदर वेस्ट में बिगेस्ट नवरात्रि लोटस, ईस्ट और वेस्ट फाउंडेशन लोटस इज द बेस्ट। नरेंद्र मेहता जी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, एक नंबर। ईस्ट और वेस्ट लोटस इज द बेस्ट। माता की जय।